यार जाने दो, साले गरीब होते ही ऐसे हैं। नहीं यार, साले को ऐसे नहीं जाने दे सकता। साले को पता चलना चाहिए मैं क्या चीज हूँ। यही तो चाहता था मैं कि तुम दोनों रोड पे आ जाओ। तुम तो वही चाय वाले हो ना? हाँ, मैं वही चाय वाला हूँ। चाय पिला दो। बैठिए भाई साहब, पिलवा दे। छोटो साहब लोग को चाय पिला दो। अच्छा मालिक। लो साहब चाय। अबे साले ये क्या कर दिया? मुझे कुछ अंदाजा भी है, इतने महंगे कपड़े हैं ये। साहब गलती हो गई, मैं साफ कर देता हूँ। भाई यार जाने दो, साले गरीब होते ही ऐसे हैं। नहीं यार, साले को ऐसे नहीं जाने दे सकता। साले को पता चलना चाहिए मैं क्या चीज हूँ। मालिक को बुला अपने। साहब गलती होगी, साहब माफ कर दो, साहब अब नहीं होगा। क्या हुआ साहब? ऐसे लड़के के रखे हो काम पे, चाय गिरा कर पूरा कपड़ा खराब कर दिया। जा रहा था मीटिंग में। साहब माफ कर दो, बहुत अच्छा लड़का है, इसी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। चल यार चलते हैं, पूरा दिमाग खराब कर दिया। जानते हो कौन थे ये? इस शहर के बहुत बड़े आदमी, इनकी तीन तीन चार चार फैक्ट्रियां चलती हैं। चल छोड़ ये सब, काम पे लग जा। मालिक मैं जा रहा हूँ घर, मुझे कुछ काम है, मैं दो घंटे में आऊंगा। ठीक है जल्दी आ रहा। यार ये किसका पर्स हो सकता है? इसमें तो बहुत पैसे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है। जिसका भी होगा वो तो बहुत परेशान होगा। मैं इस नंबर पे कॉल करके देखता हूँ, जिसका भी हो उसको लौटाना चाहिए मुझे। हेलो। हेलो, हाँ भाई आप विशाल बोल रहे हैं? हाँ जी, क्या वो बताएं? भाई आपका पर्स कहीं गिरा है। पर्स? अरे मेरा पर्स कहाँ गया? भाई आपका पर्स मुझे मिला है। अरे कहाँ पे हैं आप? भाई नए वाले हाईवे के नीचे बैठा हूँ। बस आप दो मिनट के बाद पहुँच रहा हूँ। आप ही ने किया था फोन? हाँ भाई, ये लीजिए आपका पर्स, चेक कर लीजिए सब है कि नहीं। थैंक यू सो मच भाई, तुमने मेरा पर्स लौटा दिया। तुम्हें पता नहीं इसमें कितने इंपॉर्टेंट कार्ड है, अगर आज ये ना मिलता तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। नहीं भाई, वो तो मेरा फर्ज था। सुनो तो भाई। हाँ भाई, क्या हुआ? वो भाई बहुत परेशान लग रहा है। कुछ नहीं यार, बस यूं ही। यार मैं तुम्हें अपना समझ के पूछ रहा हूँ और तुम बताना नहीं चाहते। आओ यहाँ बैठो और अब बताओ क्या बात। भाई जब मैं छोटा सा था तभी मेरे माँ बाप का देहांत हो गया था और मैं गांव छोड़ के शहर में काम करने के लिए आया है। यहाँ पे गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ, वहाँ पे आज एक बहुत अमीर आदमी आए, उनके ऊपर मैंने गलती से चाय गिरा दिया, बस उन्होंने मुझे चाटा ही मार दिया। यार मैं अपनी गरीबी से परेशान हो चुका हूँ। यार तुम गरीब हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वक्त सबका बदलता है, वक्त तुम्हारा ही बदलेगा। आज के टाइम में मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक अच्छे दोस्त की कमी थी और तुम्हारे मिलने से आज वो भी पूरा हो गया। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज से हम दोनों मिलकर उनको सबक सिखाएंगे जो पैसों के आड़ में गरीबों का मजाक उड़ाते हैं।
तुम चलो मेरे साथ मेरे घर पर, आज से हम साथ में रहेंगे। सोच क्या रहा है भाई? आँखों ने पहने ख्वाबों के गहने। लीजिए सर ऑफिस की फाइल जो आपने मंगाया था। वो क्या जा सकते हो, आज से तुम हमारी कंपनी का हिसाब किताब देखोगे। भाई ये तो वही है जिसने मेरा मजाक उड़ाया था। अच्छा ये वही है। देख भाई मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा कर, इसको सबक सिखाने का सबसे सही तरीका यही है। मैं इसे कॉल करता हूँ। हेलो, आप मिस्टर गोलू बोल रहे हैं? यस गोलू स्पीकिंग। हमें आपकी कंपनी से 80 लाख के माल खरीदने हैं, वो भी सिर्फ 2 दिन में। सर इतनी जल्दी माल कैसे तैयार हो पाएगा, वो भी 80 लाख का? कोई बात नहीं, हम और किसी कंपनी से माल खरीद लेंगे। सर आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, आपका पूरा माल तैयार हो जाएगा। ठीक है फिर, हमारा आदमी जा रहा है। ओके सर, थैंक यू। अब आएगा असली मजा। भाई हमें 80 लाख रुपए का माल तैयार करने का ऑर्डर मिला। क्या 80 लाख का? हाँ भाई। यार अभी तो हमारे पास इतना पैसा है नहीं भाई, हम एक काम करते हैं मार्केट से लोन लेते हैं और माल तैयार होने के बाद उनका पूरा पैसा वापस कर देंगे। हाँ भाई ये ठीक रहेगा। मैं विजन कंपनी से आया हूँ, ये रहा 5 लाख रुपए एडवांस में और बाकी पैसा माल तैयार होने के बाद मिलेगा। ये रहा हमारी कंपनी पता, इसी पे माल भेज दीजिएगा। ओके। सर बैठ जाओ। सर आपका माल तैयार हो गया। कैसा माल, हमने तो कोई माल ऑर्डर नहीं किया है। सर ये क्या बोल रहे हो, आप हमारा माल नहीं लेना चाह रहे हो? सर ऐसा मत कीजिए सर, हम कंगाल हो जाएंगे। सर हमने तो आपके ऑर्डर पर 50 लाख का लोन भी दे रखा है। सर ऐसा मत करिए, हम तो रोड पे आ जाएंगे। यही तो चाहता था मैं कि तुम दोनों रोड पे आ जाओ। तुम तो वही चाय वाले हो ना? हाँ मैं वही चाय वाला हूँ जिसका तुम दोनों ने मजाक उड़ाया था। क्यों, मुझे इस हाल में देख कर झटका लगा कि एक मामूली सा चाय वाला इतना बड़ा इंसान कैसे बन गया? सुनो, मैं अपनी ईमानदारी और ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से आज यहाँ पहुँचा हूँ। इससे पहले कि मैं तुमको धक्के मार के निकालूँ, निकल जाओ यहाँ से। तो है गाइस, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कभी किसी गरीब का मजाक ना उड़ाएं।